बुराड़ी कांड में जहां एक तरफ पुलिस मामले की जांच को बंद करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस कांड में एक नया खुलासा हुआ है। जिस ठेकेदार ने घर में 11 पाइप और 11 लोहे के ग्रिल लगवाए थे, उसकी बेटी पर तांत्रिक होने का आरोप लगाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि 7 जुलाई को ललित इस तांत्रिक महिला से मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पूरे परिवार की मौत हो गई। ये तांत्रिक महिला गीता माता के नाम से मशहूर है और जिस ठेकेदार ने मृतक ललित का मकान बनाया था, ये उसी ठेकेदार की बेटी है। देखो, मेरे पापा की जो बात उनसे हुई होगी वो हवा के लिए ही पाइप लगे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था। और ये तो मेरे पापा जाने गए, मुझसे क्या बात है। मैं आज तक उस घर में नहीं गई, मुझे उस गली का भी पता नहीं है जहाँ पे ये हुआ है, केस हुआ है ये। मैं अभी कल भी नहीं देखी मुझसे, आप कह दो तो मैं नहीं जाता। अच्छा, जानती आत्मा मैंने देखी ही नहीं, मैं कैसे कह दूँ आत्मा होती है ना। मैंने इस चीज को मैं जानती हूँ, ना मेरा इससे कोई मतलब है, मैं आत्मा आत्मा नहीं हूँ, मैं पूजा करती हूँ, मेरा पूजा। बताया जा रहा है कि गीता बच्चों को नजर उतारने, चुड़ैल उतारने आदि का निपटारा करती थी, जिसके बिना पर ही पुलिस ने गीता को पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया है। दिल्ली से अनिल अत्री और दीपक कुमार के साथ प्रियंका की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।